हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं देश भर के अंदर लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू कर दिया गया और इस चरण में कुछ छूट दी गई है, यानी कि कुछ रियायतें दी गई हैं तो कुछ नए नियम पालन करने की बात भी कही गई। लेकिन आज बाजारों में आवागमन चरम सीमा पर है, वहीं बैंकों के सामने भी लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। बैंकों के सामने खड़े लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही धारा 144 का। लॉकडाउन 3 अभी ख़त्म हुआ है और लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई है। लॉकडाउन 4 में पहले से भी और ज़्यादा छूट दी गई है, लेकिन लॉकडाउन 3 में भी और लॉकडाउन 4 में भी जो भी नियम सरकार द्वारा बनाए गए थे उनको लेकर सख्ती नहीं बरती जा रही। कोई भी सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसमें और ज़्यादा सख्ती पेश की जाए, मास्क का ध्यान किया जाए। कोई ध्यान नहीं है, दुकान में कस्टमर हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने लोग एंटर कर रहे हैं, कोई रूल रेगुलेशन का पालन नहीं हो रहा। लॉकडाउन खुल तो गया है लेकिन नियमों का पालन बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसमें प्रशासन को और अधिक सख्ती बरतनी चाहिए। लॉकडाउन 4 चले और 3 चले, इसमें फिलहाल तो कोई अंतर नहीं है। जो तीसरा लॉकडाउन था और अब जो चौथा लॉकडाउन है वो सेम ही है और प्रशासन को चौथे लॉकडाउन में कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश में चौथा लॉकडाउन का चरण शुरू हो चुका है, लेकिन उकलाना की अगर हम बात करें तो यहां पर किसी प्रकार के ना तो लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और न सोशल डिस्टेंस का। बैंकों पर देख रहे हैं तो लंबी लंबी कतारें लग रही है और ना वहां पर किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। प्रशासन की भी बात करें तो प्रशासन इतने सख्ते में नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से अनुमति दी गई है लोगों को उसके बाद बाजार खुल चुके हैं और लोगों का आवागमन हो चुका है। चौथे चरण में यूनिवर्सिटियां बंद हैं, स्कूल बंद हैं, मॉल बंद हैं, इस प्रकार की और कुछ नई गाइडलाइंस जो केंद्र ने हरियाणा सरकार के जिम्मे लगा दी है और प्रशासन के जिम्मेदारी के तहत जो अभी नई गाइडलाइन आएंगी उन पर भी देखना है कि चौथे लॉकडाउन में लोग कितना खरा उतर पाते हैं। अपने सहयोगी के साथ अनुप कुंडू, हरियाणा न्यूज़।